मुआवजा की मांग। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम संडी में मुआवजा की मांग को लेकर ग्रामीणों के हित में किसान नेता योगेश तिवारी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। योगेश तिवारी किसान नेता के नेतृत्व में सैकड़ों किसान अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। वहीं मुआवजे को लेकर योगेश तिवारी किसान नेता ने कलेक्टर से बात की। बेमेतरा कलेक्टर विलास भोस्कर संदीपान किसानों की गुहार सुनते हुए तुरंत PWD के अधिकारी को निर्देशित किए कि मुआवजे की रकम किसानों को दी जाए। जी हां, बता दें, पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के ग्राम संडी का है, जहां ग्राम संडी से सिद्धि मंदिर जाने के लिए रोड बनाया जा रहा है, जिसके चलते आसपास के किसानों की जमीन सड़क निर्माण के दौरान लिया गया है, जिससे किसानों ने 10 फीट जमीन किसानों ने अपनी आस्था जय मां सिद्धि मंदिर के रोड निर्माण के लिए दान कर दिए हैं। लेकिन PWD विभाग द्वारा कई किसानों की जमीन ज्यादा काट लिया गया है, जो गरीब किसान हैं, जिनके पास पहले से जमीन कम है। छोटे छोटे किसान जो कृषि पर निर्भर हैं, उनका जमीन का अगर आधा भाग ही ले लिया जाए तो क्या करें। पीड़ित किसान की मुआवजे की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में योगेश तिवारी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर किसानों की परेशानियों से अवगत कराया। वहीं कलेक्टर ने भी आश्वासन दिया है कि जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता, तब तक रोड का निर्माण नहीं होगा। वहीं ग्रामीण अपनी आस्था से सिद्धि मंदिर के रोड निर्माण के लिए 10 फीट देने के लिए तैयार हैं। सहमति है इसमें? जी, गांव के लिए हम लोग सहमति 10 फीट रोड देने के लिए तैयार हैं, जिसमें जैसे कि पूर्व सरपंच जगराखन साहू ने लिखवाया था, सबसे दस्तखत करवाए थे कि 10 फीट चौड़ाई का धरसा रोड जाने वाला है मंदिर के लिए, सब तैयार थे उसके लिए। लेकिन अब क्या है, उस रोड को बढ़ा के उसको लगभग 30 से 35 फीट कर रहे हैं, तो फिर किसान सब आपत्ति कर रहे हैं कि इतना रोड के लिए इतना चौड़ा ज़मीन नहीं दे सकते, क्योंकि सब खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदते हैं। 10 लाख 12 लाख 25 लाख रुपए एकड़ चल रहा है, तो ऐसे फ्री में तो नहीं दे सकते। दान के लिए हम लोग 10 से 12 फीट देने के लिए तैयार हैं माता जी के नाम से, उसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं है। कलेक्टर से हम लोग जैसे मांग किए थे कि हम लोग 10 से 15 फीट से ज़्यादा जो रोड में लग रहा है ज़मीन, उसके लिए जो मुआवजा राशि से लेकर सिद्धि मंदिर के लिए, मंदिर के रोड का निर्माण हो रहा है, सिद्धि माता मंदिर है, हम सबकी आस्था, हम चाहते हैं वहाँ रोड रास्ता बने, विकास हो, हमारी माता की मंदिर है। हम लोग चाहे और किसान लोग भाई लोग आए कि वहाँ जो पहले जो पटवारी और सरपंच थे, उनके द्वारा ये लोग सहमति दिए थे कि 10 फीट का रास्ता के लिए दिया जाएगा आम सहमति से, और इन लोग से दस्तखत भी करवाया गया था। लेकिन इनका कहना है कि 10 फीट से ज़्यादा 35-35 फीट ले रहा है, छोटे छोटे किसान हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनका मुआवजा मिलना चाहिए। पटवारी से भी पेपर मांग रहे, पटवारी पेपर नहीं दे रहा है, और इसलिए आज कलेक्टर से आए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा, उसके बाद ही काम शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक किसानों के जमीन में किसी भी प्रकार के रोड रास्ते डैम नहर का निर्माण अगर होता है, तो जब तक उनको मुआवजा ना दे, उसमें निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। ये सब कहीं ना कहीं कुछ लोग मिली भगत करके ये गलत ढंग से रोड बना रहे हैं, और रोड बनना चाहिए, लेकिन इनको कम से कम इनका अधिकार और हक मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग आए थे। जानकारी थी 10 फीट, ये लोग तो आम सहमति से मंदिर के रास्ता है, इसलिए मंदिर के लिए देने के लिए अभी आज भी तैयार है, पहले भी तैयार थे। वो लोग भी चाहते हैं कि वहाँ रोड बने, विकास हो, लेकिन जो अधिक जमीन लिया जा रहा है, किसी को मुआवजा दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।